नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कपित से होने वाले फायदों के बारे में। बदलते मौसम के साथ कई तरह की बीमारियां भी उभर आती हैं। इसके लिए हम कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसका प्राकृतिक इलाज भी संभव है। ऐसी ही एक औषधि है कपित। कपित को हम कैत या हाथी फल के नाम से भी जानते हैं। इसके पत्ते और फल कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैथ किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद माना जाता है। जिन व्यक्तियों को दिल से संबंधित परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो इसके लिए कैथ के पत्तों का काढ़ा बनाकर नियमित रूप से सेवन करें। ऐसा करने से दिल तो स्वस्थ रहेगा ही, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आराम मिलेगा। जिन व्यक्तियों को कान से संबंधित परेशानी है, कान में दर्द रहता है या नहाते समय कान में पानी चला जाता है, तो आपको बस करना इतना है कि कैथ के रस की दो दो बूंद दिन में 2 से 3 बार कान में डालनी है। इससे कान के दर्द में आराम मिलेगा और किसी भी तरीके के कान के संक्रमण में फायदा पहुंचेगा। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि जिन व्यक्तियों को उल्टी की समस्या है, कुछ भी खाने पर पचता नहीं है और जी मचलाता है, तो कैथ के फल का 5 से 10 मिलीग्राम रस, 500 मिलीग्राम पीपली चूर्ण और थोड़ा सा शहद लेकर तीनों को अच्छे से मिला लें और इसका सेवन करें। ऐसा करने से फायदा मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का लीवर और गुर्दे की समस्या से ब्लड साफ नहीं होता है, तो कैथ का 50 मिलीग्राम रस 1 कप गुनगुने पानी में मिश्री मिलाकर सेवन करने से ब्लड प्यूरिफाई होता है और विषैले पदार्थ भी यूरिन के रास्ते बाहर निकलते हैं। आचार्य जी के अनुसार कैथ बवासीर की समस्या में भी फायदेमंद माना जाता है। ये पेट को साफ करने में मदद करता है, क्योंकि कैथ में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। जिन व्यक्तियों को खूनी बवासीर है और बवासीर के कारण दर्द होता है, तो इसके लिए कैथ का जूस पीने से इस बीमारी से आराम मिल सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।